तो गाइस सब्जी वगैरह तो ले लिया है, लेकिन बच्चों के लिए अभी तक कुछ नहीं लिया है। चलिए कम से कम उनके लिए मोमोज ले लेते हैं। और एक तरफ ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि इस साइड से कांवरिया लोग चल रहे थे। ऋतु से भी और बच्चे नीचे उठ चुके हैं, तो मैं सुबह पे आ गया क्योंकि सुबह का मौसम थोड़ा अच्छा है। देख सकते हैं आप भी, मौसम पूरा अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं है, तो लग रहा है जैसे बारिश कभी भी हो सकता है। हालांकि 3-4 दिन 5 दिन से तो लगातार बारिश हो ही रहा है गाइस। और गाइस आपने कल के ब्लॉग में देखा ही होगा, किट्टू के साथ प्रैंक किया तो वो रोने लगी, और ऋतु भी रिकवर कर रही है। तो आइए मैं बच्चों से मिलाता हूँ, उसके पहले मैं आपको थोड़ा छत का अपने बगीचे का दिखा दूँ, बगीचे में क्या अभी आज फूल आए हैं नहीं आए हैं, यहाँ से शुरू करते हैं गाइस। ब्लॉग पे बने रहिएगा। ये देखिए गाइस, यहाँ फूल आए हैं, यहाँ भी एलोवेरा बड़ा हो गया गाइस, ये भी एलोवेरा देखिए, ये देखिए गाइस कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल आए हैं, यहाँ भी हैं। ये दोनों एलोवेरा हाल ही में रोपा गया था, दोनों बड़े हो रहे हैं गाइस। ये देखिए यहाँ भी फूल आए हैं गाइस। तो गाइस बगीचा में तो काफ़ी सारे फूल आए हैं, एलोवेरा भी हमारा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और गाइस देखिए किट्टू भी मेरे साथ आ गई है ऊपर में। हेलो किट्टू, गुड मॉर्निंग, क्या दिखाना है गाइस को बताइए। हाँ गाइस ये कुछ दिखा रही है। हाँ मैंने अभी दिखाया गाइस को, ये बेटा हाँ दिखाया मैंने, हाँ ये भी दिखा, हाँ एलोवेरा ग्रो हो रहा है बेटा। हाँ आप इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ गए? जल्दी मेरे को कुछ तब आप दोनों सो रहे थे। अच्छा तो आप उठ गए आप? वेरी अच्छा। दिन नहीं आज तो नहीं है स्विमिंग पूल दिन। गाइस ये स्विमिंग पूल के बारे में पूछ रही है। तो सना के पास चले, सना का देखे हाल चाल? नहीं वो तो रोती है। रोती है क्योंकि अभी उसको चोट लगा है ना। तो चलिए गाइस वृतु से मिलाते हैं आपको, वृतु का रिएक्शन देखते हैं, अभी सुबह सुबह उठी है, उसके चोट का क्या हाल चाल है, जरा उससे हाल चाल पूछते हैं। मिलिए गाइस वृतु से, गुड मॉर्निंग वृतु। दर्द हो रहा है अभी भी? कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? अच्छा वहाँ पे दर्द हो रहा है, गर्दन का दर्द सही है। मिलिएगा इस ब्यूटी से भी, थोड़ी सुस्त लग रही है गाइस, लेकिन हाँ मतलब बेटर हो रहा है पहले से। तो गाइस मस्त ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट में था आलू चने की सब्जी, रोटी और दाल था गाइस। और गाइस आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज फ्राइडे ब्लॉग है गाइस। फ्राइडे ब्लॉग में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए यूनिक होता है, कुछ खाने का, कुछ खेलने का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो मिलिएगा इस ऋतु से भी, ऋतु भी नया नहा धोवा के रेडी हो गई है, फ्रेश हो गई है, और ये पहले से बेटर फील कर रही है। आप गाइस खुद बात कर सकते हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपका घाव ठीक है? आप दिखाइए एक बार क्लोज करके आइस, नोज पहले से बेटर हो गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको भी। अब थोड़ा ये चल फिर रही है अच्छे से, थोड़ा बहुत नेक में और इसके सीने में थोड़ा दर्द है, लेकिन हाँ वो टाइम धीरे धीरे, वो चोट का दर्द है तो ख़त्म होगा, और भी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो गाइज इन्हें भी आज फ्राइडे का मज़ा लेना है, इनकी कुछ डिमांड आई है, देखिए आज वो पूरा होता है या कल होता है, लेकिन हाँ आज फ्राइडे का तो एक अलग ही माहौल बन रहा है। तो गाइज ब्लॉग को और फन करते हैं, मस्ती करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़ा करते हैं, जो भी करते हैं बताते हैं आपको, है ना। क्या है ब्यूटी ने, ब्यूटी बताओ क्या कंसर्न है? खाना मांगा और मैंने खाना दिया, 2 बाइट खाया और पूरा खाना लेकर हंसी और इधर छुप के आके बिस्किट खा रही है। क्यों बिस्किट क्यों खा रही हो, खाना क्यों नहीं खाया बेटा? ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है, ये मैं खाना। और खाना कौन खाएगा? खाना खाओ, मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो मैं, मेरे पेट में जगह नहीं है, खाया नहीं जा रहा है, वहाँ से भाग आए। ये तो गलत बात है ना, इधर आके बिस्किट खा रही है। हाँ खाना चाहिए ना, खाना बिस्किट फिनिश करके खाना खाओ, खाना खिलाना होगा। दवा भी बंद हो गया है, खाना नहीं खाएगी तो फिर और दर्द होने। बेटा खाना खाओगी ना अब, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ब्यूटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। बिस्किट खा के खाना खाना और दवा भी खाना है, ओके? दवा तो खत्म हो गया। हाँ तो अभी आ जाएगा दवा, ठीक है, ओके। तो गाइस शाम हो गई है और मम्मी और ब्यूटी गए हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए, किट्टू और वृतु बगल में नेबर के यहाँ खेलने गए हैं, और मैं यहाँ हूँ क्योंकि ब्यूटी का फ़ोन आएगा तो मुझे सब्जी लेने जाना होगा क्योंकि आज फ्राइडे का मार्केट है गाइस। तो आज फ्राइडे मार्केट में कैसा व्यूज़ नज़ारा दिखेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, ब्लॉग पे बने रहिएगा गाइस। मैं सब्जी मार्केट से तो आ गया हूँ गाइस,
लेकिन इंसिडेंट ये हुआ है कि मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा ये लोग ऑलरेडी सब्जी लेके खड़े हुए थे और मेरा वेट कर रहे थे। मैं 5 मिनट थोड़ा लेट हुआ हूँ और वहाँ पे मुझे मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं कुछ बाज़ार में भी देख सकूँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ से निकलना भी था। तो सब्जी लेके हम घर आ गए गाइस और फिर ड्यूटी गई है कहीं बाहर बच्चों को कुछ लेने के लिए। तो आइए ब्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, कल मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा कांवड़िया लोग चल रहे थे क्योंकि सावन का महीना है जल चढ़ाने का, और कल ही तक डेट है 15 तारीख तक जो यहाँ पे है। और देखिए एक तरफ का रोड खाली है और एक तरफ ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि इस साइड से कांवरिया लोग चल रहे हैं। देखिए कुछ कांवरिया लोग जा रहे हैं गाइस। तो गाइस सब्जी वगैरह तो ले लिया है लेकिन बच्चों के लिए अभी तक कुछ नहीं लिया है। चलिए कम से कम उनके लिए मोमोज ले लेते हैं क्योंकि फ्राइडे का मार्केट लगता है और मार्केट का मतलब है अगर बच्चों के लिए कुछ नहीं खाते तो आप क्या ही मार्केट किए। तो सब्जी वगैरह सब आ गया है लेकिन हाँ वहाँ मुझे ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ चलिए बच्चों के लिए भी लेके आते हैं मोमोज फिर आपको दिखाते हैं गाइस। तो गाइस मैं मोमो लेके आ गया हूँ और देखिए वृतु यहाँ से निकाल रही है क्योंकि वृतु आज बिल्कुल ठीक लग रही है गाइस, और इसके ही डिमांड थे ये कि हाँ पापा मेरे को मोमोज खाना है, इसलिए मैं मोमोज लेके आया हूँ। आइए आपको दिखाते हैं। तो गाइस वृति की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है और वो मतलब अब चल फिर रही है, अच्छे से खेल कूद रही है। हल्का फुल्का दर्द है वो जाते जाते जाएगा गाइस, और उसके कहने पर ही आज मैंने मोमोज ले आया है। तो आइए देखते हैं वृति कैसे मोमोज इंजॉय कर रही है। किट्टू कहाँ है उसको अभी तक नहीं देखा जब से मैं बाहर से आया हूँ। बाहर आपने देखा ही है पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है तो कहीं जाने का प्लान तो कर ही नहीं सकते हैं गाइस। तो आइए पहले देखते हैं वृति और किट्टू क्या कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए खाने के समय में ये लोग लड़ाई करने लगते हैं मोबाइल के लिए। आराम से खाओ, कैसा लग रहा है एक बार टेस्ट करके दिखाओ वृतु। गाइस को बता दो आपकी तबीयत ठीक है, अब बताओगे तब तो पता चलेगा। हाँ, सही है। फर्स्ट क्लास। किट्टू आपका मोमोज अभी नहीं आया है। ओह बहुत टेस्टी है। देखिए गाइस ये वृति के हिस्से का मोमोज है, अभी किट्टू के हिस्से का मोमोज अभी आया नहीं है। सो किट्टू वेट करिए और वृतु अपना एंजॉय करिए। ओह किट्टू बेटा आ रहा है। किट्टू गाइस ये किट्टू के हिस्से का मोमोज है। किट्टू सब खा जाओगे ना, इधर देख के बताओ सब खा जाओगे ना। हाँ पक्का बोलो, प्रॉमिस। देखते हैं। और गाइस ये देखिए वृतु आराम से अपना एंजॉय कर रही है और अभी किट्टू भी शुरू करेगी एंजॉय मोबाइल देखते हुए। जल्दी जल्दी शुरू करो, देखते हैं कौन जीतता है पहले। गर्म है। आराम आराम से खाओ, कोई अरबड़ी नहीं है। तो गाइस आज का ब्लॉग आपने देखा, आज वृति पहले से बेटर फील कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी है। एक दो दिन और टाइम लगेगा, घाव जो है वो भी भर रहा है गाइस, और चोट तो जाते जाते ही जाएगी। और गाइस आज फ्राइडे मार्केट था तो बच्चों को मोमो मैंने एंजॉय कराया, बच्चे बहुत मस्ती से मोमो खाए हैं और वही अच्छा लगा है देखने में गाइस। और गाइस एक और बात बोलना चाहूँगा, मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर, मैं नया यूट्यूबर हूँ आपको सभी को पता है ये चीज़। एक दो कमेंट्स ऐसे आ गए हैं जो मतलब मुझे वो कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं ब्लॉग ना बनाऊँ और पता नहीं मैं अच्छा बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, आई डोंट नो, बट मेरा काम है मेहनत करना। मैं सीख भी रहा हूँ और जैसे जैसे सीख रहा हूँ मैं चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ, अप्लाई भी कर रहा हूँ गाइस। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद है, अगर पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।